नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ हामी एउटा भिडियोलाई चाहिँ रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ है। नेपालमा चाहिँ थुप्रै त्यो बोर्डर इस्युहरू आइरहेछ, चाइनामा चाइनाको भयो लाइक माउन्ट एभरेस्ट है, अनि लिपुलेक, कालापानी। तर आज चाहिँ हामी कालापानी र लिपुलेकको बारेमा चाहिँ डिस्कस होइन रियाक्ट गर्छौँ हामी चाहिँ आज। सो एकजना दाजु हुनुहुन्छ रमेश परसाई भन्ने, उहाँको स्पिच चाहिँ बवाल भएको चाहिँ आज हामीले भिडियो चाहिँ हेरेको थियौँ युट्युबमा। भिडियो हेर्दै जाँदा भिडियो भेटाएको थियौँ अनि उहाँको चाहिँ अब हामीले आज चाहिँ उहाँको स्पिचलाई चाहिँ हामीले रियाक्ट गर्दैछौँ आज। सो गाइज, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गाइज, मेरो ब्रोको तल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन छ त्यहीमा नि क्लिक गरिदिनु होला, र तपाईँले अपकमिङ भिडियोहरू देखिराख्न पाउनुहुनेछ। तर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेनिटाइजर एप युज गर्नु होला। ल, स्टे होम, स्टे हाइजेनिक। आज चाहिँ हाम्रो नेपाली भूभागको बारेमा चाहिँ, नेपाली ल्यान्डको बारेमा चाहिँ एकदमै न्युजहरू एकदमै भाइरल भइरहेछ है। यो चाहिँ अब पोलिटिकल्ली अफेयर हो नेपालको होइन। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ एकजना यङ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ धरानबाट गणतन्त्र एफएममा चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पब्लिक स्पिकर नेपाल अवार्डमा चाहिँ उहाँले अवार्ड पनि जित्नु भएको थियो। अनि उहाँको नाम चाहिँ रमेश परसाई हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा पब्लिक स्पिकर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा रिसेन्ट पोलिटिकल अफेयर अफ नेपालमा चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ है। सो वी गन रियाक्ट एबाउट हिज भिडियो एबाउट दि कालापानी र लिपुलेक। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। हेलो इंडिया, मैं रमेश परसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे। सारे इंडियन नेपाल दुईजनाले हेर्नु पर्ने कुरा नेभर कन्ट्री। सो पोजिटिभली नै हामीले लिएको छ गाइस, नेगेटिभली नलिनु होला है। इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में यह जो विवाद आ रहा है यह क्या है और क्यों है। आदरणीय संपूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईँले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दैछु। प्यारे हिन्दुस्तानी भाइयो और गाइज है, ल दाइले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ अब त्यस्तै त भइरहेछ, गफ गरे जस्तै त भइरहेछ, अगाडि कसले कदम बढाएन। सो गाइज, हामी सब नेपाली भएर चाहिँ होइन, हामी कसैको लागि लडेको होइन, हाम्रै देशको जग्गाको लागि लडेको होइन। बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि यह विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इशू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत, नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए, कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में, मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवान तक। अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी, हर रोजमर्रा के चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है, तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना। आज
मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं, हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कॉलोनाइजेशन मेंटालिटी का। आज हम सब एक हैं। आप लोगों ने कहा कि हम मधेशियों के मामले में नेपाल को जवाबदारी बना रहे हैं, ऐसी ही बात है। अगर मधेशियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है, आपके नेता कहते हैं कि मधेशी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये सब है, तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था, वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं, नो, नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं। बोला क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखलंदाजी की। कोई भी नेता नेपाल का, कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया। और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने यह बात लोकसभा में उठाई, तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा यह कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास! जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर ये आज तक जैसे मीडिया, अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कमबख्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाय बर्थ इंडियन, आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं, आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार, किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा। बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे, वो कहां से आए? आसमान से उड़ के थोड़ी आए, वो आप लोगों के वहां से आए, इस पार आए, तो इसमें हमारा क्या दोष? अब मैं बॉर्डर के इशू पर आता हूं। जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है ना, वो काला पानी में कोई विवाद है ही नहीं, उधर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं, वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आज से नहीं, 60-65 साल पहले से कब्जा कर रखा है, और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको धोखे में रखा है। वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, वो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं जो एंग्लो गोरखा वार के बाद ब्रिटिश और नेपाल के बीच में जो सुगौली ट्रीटी हुई थी, उसके बाद सन 1827 में, सन 1856 में और सन 1905 में जो नक्शे बने थे, वो नक्शे आपको कोई नहीं दिखा रहा, ना आपका मीडिया दिखा रहा है, ना आपका गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और ये सिर्फ काला पानी का इशू नहीं है, ये 71 जगहों का इशू है, ये 71 जगहों का इशू है। और सियाचिन, आपका सियाचिन जहां पर घास भी नहीं उगता, वहां पर आपके 3000 सैनिक शहीद हुए हैं, आप लोग लड़े हैं। कत्रो थियो अहिले त ल यतापट्टि नि ठुदेह उतापट्टि नि ठुदेह, के त्यो के हो कपडा, त्यो सेलमा लागेको कपडा जस्तो गर्दै हो त, त्यस्तो कहाँ हो त नि गाइस, होइन ल, कुनै दिन मलाई नि किन्दैन म नि, अब इन्डियन भन्ने होइन, खुन बगाएर अब त्यस्तो जग्गा हो होइन, कहाँ त्यसरी हड्प्नुहुन्छ त नि गाइस। 4000 फिट ऊपर जाके जहाँ पर घास भी नहीं उगता, तो आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए, हमारी धरती वैसी है ना, आपका सियाचिन जैसा है हमारे लिए सुस्ता वैसा है, आपका लिपुलेख जैसा है हमारे लिए लद्दाख वैसा है, आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए हमारा काला पानी वैसा है ना। आपका देश प्रेम, देश प्रेम, और हमारा देश प्रेम क्या? हमारी देश प्रेम की, हमारे देशभक्ति की कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते, हमारी कोई मजबूत फोर्स नहीं है, सिर्फ इसलिए?
आप लोगों ने तो कोलोनाइजेशन सहा है मित्रों। कोलोनाइजेशन के जमाने ब्रिटिश लोग कितना जुल्म करते थे आप लोगों को, ब्लैक डॉग बोल बोल के लात और कोड़ों की वर्षा करते थे वो आप लोगों पर। आपकी बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती थी, मैंने पढ़ा है वो इतिहास। तपाईहरुलाई कश्मीर हो भने हाम्रो लागि हैन काला पानी, काला पानी त्यही त हो नि। तपाईहरुले त कश्मीरको लागि त्यस्तो स्टिल अहिलेसम्म नि अब रिसिभी छ अफेयर छ के पाकिस्तानसँग अफेयर छ के। अनि हाम्रो, अनि हाम्रो कालो पानी त के जमिनै होइन, होइन हाम्रो देशै होइन त। तर इन्डियाले चाहिँ इन्डिया सुड नट टु लाइक द्याट है ब्रो। महात्मा गांधी, आप लोगों के भगत सिंह जैसे नेता जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करते थे, नारे लगाते थे, इतना कोलोनाइजेशन सहने के बावजूद भी आप लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है तो यहां दर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है। लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। गोरखा है हम, गोरखा लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम। और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है। चाहे आपका मुल्क बड़ा हो चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में। सो गाइस इति नै हो हैन, वहाँ से एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ दाइलाई, मोरी 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 धन्यवाद दाइलाई, नेपालको बारेमा बोलदिनु भयो। कमसेकम एउटा मान्छेले त बोल्यो नि त। लाइक हाम्रो नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ होइन, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले चाहिँ यस्तो अफेयरहरू आएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। के यदि हाम्रो नेपालमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भइदिएको भए स्मुथ चल्छ क्या नेपाल। तर त्यही हो, यस्तो जोस चाहिँ इच एन्ड एभ्री नेपालीमा हुनु पऱ्यो कि। अहिले हेर्नु न सगरमाथा हेर्दा हेर्दा, अब हाम्रो सगरमाथा पनि थियो होइन, आजभन्दा लगभग 5-6 दिन अगाडि चाहिँ सगरमाथा इज लोकेटेड इन चाइना भनेर भने के। अनि यसो गुगल म्यापमा पनि हेरेको पुरा छैन, पुरा के अरे माउन्ट एभरेस्ट त चाइनाको बोर्डरभित्र। अनि फेरि स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सगरमाथा भनेको चाहिँ नेपाल र चाइनाको बोर्डरको बिचमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा रहेछ कि, त्यसरी पढाउनु पर्दो रहेछ कि सानोमा स्कुलमा होइन। त्यही त्यही कारणले त अब यस्तो विवादहरू आउँछ हाम्रो ल। सो गाइज ल है, अब आजको कुरा धेरै नगरौँ है, तपाईँहरूलाई पनि बोर भयो होला फेरि कति प्यार 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 बोलेको भनेर है। त्यही त है, कति प्यार 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 बोल्छ यो दुईजना मात्रै लकडाउनको बेला काम छैन भिडियो बनायो भन्छ होला, तर त्यस्तो होइन है गाइज। तर त्यो हो नि, आफ्नो नेपालको बारेमा चाहिँ बोल्नै पर्छ गाइज। द्याट्स अल, जो जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् एन्ड सेयर पनि गरिदिनुहोस्, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है, कमेन्ट चाहिँ पढ्न मजा आउँछ कि राजा। सो गाइज सी यू एट नेक्स्ट भिडियो, स्टे होम स्टे सेफ स्टे बाय बाय।